कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे गणपति बप्पा के लिए ये खूबसूरत सा मुकुट बनाना। मैं ये मुकुट लगभग 1 फीट के गणपति जी के लिए बना रही हूँ। आप अपने गणपति के हिसाब से इसका मेज़रमेंट चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सामान के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा। ये मैंने एक पुराने वेडिंग कार्ड में से एक लीफ निकाल ली है। आप चाहें तो कोई ड्राॅइंग की शीट भी इसकी जगह ले सकते हैं। और आपने देखा होगा गणपति जी काफ़ी बड़े हैं, तो उनके हिसाब से मैंने ये लगभग 2.5 इंच के करीब का नाप लेकर इसको यहाँ से एक पूरा का पूरा पीस इसका निकाल लिया। अब इसको देखिए, इसको फोल्ड करने का, हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन मुझे ये नीचे का मुकुट जैसा अभी थोड़ा फील नहीं आ रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा और टिल्ट किया। ये देखिए, इस तरीके से जब हमें अपना मनपसंद शेप मिल जाए तो उसके बाद हम इसको यहाँ पर स्टेपलर की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे 2 स्टेपल लगा दिए। आप चाहें तो इसको ऐसा ही गोल का गोल भी बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से अगर बनाएंगे तो ये पगड़ी जैसी शेप का आ जाएगा, लेकिन मैं इसको पीछे से काट रही हूँ और इसमें हम पीछे कोई रिबन या फिर वेलक्रो टेप लगाएंगे ताकि थोड़े छोटे बड़े गणपति जी भी हों तो हम उसको आराम से पहना सकें। ये एडजस्टेबल मुकुट हमारा बन जाएगा। अब हमारा जितना हमने कागज़ की पट्टी ली थी शीट की, उससे लगभग डबल चौड़ाई की हमने ये एक मैंने वेलवेट की ये क्लोथ लिया है। और देखिए, इसको हम इस तरीके से इसमें चुन्नटे डाल के चिपका रहे हैं। आप चाहें तो इसको सुई धागे से भी सिल सकते हैं। अब हमने जो कटिंग की थी मुकुट के लिए, जो बेस बनाया था, उसके ऊपर अब हम इसको चिपकाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, बीच वाली जो चुन्नटे हैं उनको थोड़ा सा और यहाँ पर इकट्ठा करके चिपका देंगे। फिर उसके बाद साइड में इस तरीके से दूसरी साइड में भी चिपकाएंगे। और उसके बाद फिर जितनी भी हमारी नीचे शीट का माप है उसके हिसाब से इन प्लीट्स को इकट्ठा करते हुए ग्लू गन की हेल्प से चिपकाते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी प्लीट्स को हम ठीक से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। पहले नीचे वाले चीज़ चिपकाएंगे ताकि ये कागज़ से उतरे नहीं। हमने अच्छी तरीके से इसको चिपका दिया। चिपकाने के बाद फिर हम ऊपर से प्लीट्स को हल्का हल्का सा ग्लू गन लगाकर चिपका देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से चिपकाना है और जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको फिर हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट है तो हमें स्टार्टिंग में एकदम से अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना लंबा कपड़ा चाहिएगा। तो थोड़ा सा मैंने उस पट्टी को नाप के उससे एक्स्ट्रा ही लिया था, 5-6 इंच। ये देखिए, ऊपर से हमारा ये इस तरीके से बन गया है। ये मैंने अब एक ये फ्लावर वाली डेकोरेटिव लेस ली है, इससे हम थोड़े से मुकुट पर सजाने की चीज़ें बनाएंगे। इसको मैंने पहले कैंची से कट कर लिया इन फ्लावर्स को अलग अलग, और लगभग 5-6 फ्लावर्स इतने बड़े मुकुट के लिए मुझे चाहिएंगे। अब ये हमारा एक पूरा फ्लावर निकल गया। इसको पहले मैं 3D आउटलाइनर की हेल्प से आउटलाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो इस पर बॉल चेन वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर जर्कन की लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, और भी हैवी अगर आपको बनाना हो। उसके ऊपर से फिर मैंने ये 2-3 कुंदन लगाए हैं और बीच में एक गोल कुंदन इसके लगा दिया है। इस तरीके से मैं अपने सारे के सारे फ्लावर्स तैयार कर लूँगी और इनको सूखने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, कुंदन और ये 3D आउटलाइनर लगाने से ही ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरीके से हमने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए। अब इन फ्लावर्स को सूखने के लिए रख देंगे। और ये हम इस तरीके के ये इस शेप के मैंने बाज़ार से ये पैचेस खरीदे हैं और इनको थिक शीट पर लगाकर इनके चारों तरफ बॉल चेन फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम चिपका रहे हैं। जब ये बिल्कुल सूख जाएंगे तब फिर हम इनको बिल्कुल शीट के उस पर से काट लेंगे, तो ये हमारे बहुत ही सुंदर एम्बेलिशमेंट तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर जर्कन की एक लेस लगा रहे हैं। आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। मेरे पास ये एक कटिंग करने वाली लेस है जिसको सिंगल लाइन में, डबल लाइन में कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने नीचे डबल लाइन इसकी चिपकाई है। पीछे की साइड मैंने थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि वो बैक साइड में चला जाएगा तो इतना दिखाई नहीं देगा। और ऊपर की तरफ सिंगल लाइन वाली जर्कन की ये लेस मैंने लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से, इससे थोड़ा सा एकदम रिच लुक आ गया है मुकुट के अंदर। अब हम इस तरीके की हमें नेट चाहिएगी। ये मैंने ग्रीन और ब्लू 2 कलर की नेट ली है और इसका रेक्टेंगुलर पीस काट के इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया और फिर नीचे से सुई धागे से सिल दिया।
ग्लूगन से भी हम इसको चिपका सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेट है तो ग्लूगन जो है हाथों पे या फिर नीचे निकल जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको चिपकाने में। इस तरीके से हमने दो ये ग्रीन कलर के तैयार कर लिए हैं और दो हम ब्लू कलर के बनाएंगे। ब्लू कलर के लिए हमने ये देखिए, पहले हमने उसको ऊपर से नीचे फोल्ड किया, फिर साइड से फोल्ड किया और तब उसको नीचे लाकर गैदर कर वहाँ पर इकट्ठा किया और वहाँ पर हमने सुई धागे से थोड़ा सा इसको सिक्योर कर दिया। इस तरीके से हमने ये ब्लू कलर का बनाया है और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर को निकल रहा है उसको हम कैंची की हेल्प से निकाल देंगे। ये ग्रीन वाले से थोड़े छोटे बनेंगे दोनों, ब्लू और दो ब्लू और दो ग्रीन। अब मैंने ये बॉल चेन की लटकन लगानी है, इसके लिए मैंने दो एक साइज़ की और दो थोड़ी सी इससे बड़ी लटकन लगाई हैं, जो मुकुट से हल्की सी नीचे लटकती हुई दिखाई देंगी। ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। ये इस तरीके से हमने इनको चिपका दिया और यहाँ पर इसको सिक्योर करने के लिए मैं एक एक कुंदन यहाँ पर लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये लटकन आपकी हो जाएंगी। और अब हम क्या करेंगे कि बीच में जो हमने एम्बेलिशमेंट चिपकाए थे शीट पर, उनको हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। उसको हम पहले बड़े वाले पीस को बीच में चिपकाएंगे और उसके दोनों तरफ हम दो छोटे वाले इन एम्बेलिशमेंट्स को चिपका देंगे। इस तरीके से आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपके शहर में मार्केट में अवेलेबल हो। बस आपको ये देखना है कि क्या चीज़ लगाने से आपका मुकुट सुंदर लगेगा। ये हमारा मुकुट अब रेडी होने के लिए की तरफ जा रहा है। अब हमने जो हमने नेट के फोल्ड करके तैयार किए थे मुकुट में लगाने के लिए, उनके ऊपर हम इस तरीके से एक हल्की सी कोई गोटा पट्टी की लेस लगा देंगे। ये काफ़ी हल्की ही लीजिएगा क्योंकि नेट खुद में ही बहुत हल्की होती है, वो फिर उसका वेट सहन नहीं कर पाएगी। मुकुट के पीछे की तरफ अब मैं ये एक वेलक्रो टेप लगा रही हूँ। वेलक्रो टेप को ग्लूगन की हेल्प से चिपकाने के बाद उसके ऊपर मैं दोनों तरफ इसी शीट के दो टुकड़े लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाएँ। चिपकाने और उतारने में वेलक्रो टेप आपकी उतरे नहीं, इस तरीके से ये मजबूत हो जाएगा काफ़ी। इसको लगाने के बाद अब हमारे पास ये फ्लावर्स भी रेडी हैं ऊपर लगाने की। ये ग्रीन और ब्लू कलर के पंख भी हमारे रेडी हैं और मुकुट भी हमारा लगभग रेडी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रीन वाले इस पंख को बीच में, थोड़ा सा बीच में तो हमारे गैप है तो थोड़ा सा साइड में मैंने लगाया है, यहाँ पे लगा देंगे। दूसरे वाले ग्रीन को इससे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे इस तरीके से, और जो हमारे ब्लू कलर के पंख हैं उनको और थोड़ा थोड़ा नीचे करके लगा देंगे। अब केवल हमारे फ्लावर्स लगाने बचे हैं, उनको आप एडजस्ट करके जैसे भी आपको अच्छे लगे उस तरीके से लगाइए। मैंने बीच में तीन इकट्ठे लगाए हैं क्योंकि वो फ्रंट का पार्ट है, वो एकदम से दिखाई देगा, और दो थोड़े थोड़े साइड में लगाए हैं। इनको भी ग्लू गन की हेल्प से अच्छी तरह चिपका देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मुकुट रेडी हो गया। इसको मैंने अभी आपको एक बॉटल पर लगा कर दिखाया है। फ्रेंड्स, आपको ये मुकुट कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। बाय।